शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है और अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मैं धर्म का पालन करूं। सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। सुल्तान से कहना मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म ने यह साबित कर दिया कि अगर अच्छी फिल्म बनाओगे तो लोग उस फिल्म को सपोर्ट करेंगे और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करवा भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, लेकिन फिल्म के दूसरे दिन और भी खतरनाक कलेक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे मित्रों इस फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या फ्लॉप। तो दोस्तों, डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, जिस फिल्म की कहानी आधारित है हिंदुस्तान के महान योद्धा पृथ्वीराज जी चौहान के जीवन पर। इस फिल्म में पृथ्वीराज जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, वहीं संयोगिता का कैरेक्टर प्ले कर रही है मानुषी छिल्लर और इस फिल्म में चंद्र बरदाई के किरदार में नजर आ रहे हैं सोनू सूद और काका कान्हा के किरदार में देखने को मिल रहे हैं संजू बाबा यानी कि संजय दत्त। बताना चाहूंगा मित्रों, इस फिल्म हिंदी तमिल तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज किया है और ये फिल्म तीनों भाषाओं में दुनिया भर के अंदर लगभग 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। बता दूं दोस्तों, फिल्म को जो के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। आउटस्टैंडिंग रिव्यूज ऑडियंस की तरफ से मिले हैं वो काफी पॉजिटिव है और ऑडियंस ने कहा कि इस फिल्म को बच्चे बूढ़े सभी को देखना चाहिए। और दोस्तों, इस फिल्म को पब्लिक की तरह से बहुत सपोर्ट मिला और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने जा रही है और इसने अब तक की कर ली है ताबड़तोड़ कमाई और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म लोगों के दिलों पर छा गई है। अगर बात करूं सम्राट पृथ्वीराज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बताया था कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म अपने पहले दिन नेट कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का कर सकती है, लेकिन दोस्तों जो हमारा प्रेडिक्शन था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का कलेक्शन लगभग इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए का हासिल किया और इस फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है एक बड़ा धमाका और पहले दिन से ज्यादा कमाई की। इस फिल्म की हो रही है दूसरे दिन की अच्छे रिव्यूज के कारण इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज यानी कि दूसरा दिन है सैटरडे यानी कि हाफ होलीडे, तो इसका फायदा भी फिल्म को मिल रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, जहां पहले दिन इस फिल्म को 15% की ऑक्युपेंसी मिली थी, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 18-19% की ऑक्युपेंसी मिली। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार सम्राट पृथ्वीराज अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन लगभग 16 करोड़ रुपए का कमाई कर ली है। वहीं दो दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है लगभग 30 करोड़ रुपए का। और अभी भी दोस्तों, कल का दिन यानी कि संडे को जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका करेगी, जी हाँ दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही है कि कल संडे यानी कि फन डे के दिन सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का कलेक्शन काफी तगड़ा और बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों, ये फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है, तो ये फिल्म अक्षय कुमार के कैरियर की ब्लॉकबस्टर साबित होगी। वैसे आप लोग कब जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी देखने और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन क्या रहेगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आपके अपने चैनल बॉलीवुड रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।